क्यों बने हैं ना ये छोले बहुत ही डिलिशियस, और इनका कलर भी कितना खिल के आया है। इनको आप पूरी परांठा या रोटी के साथ खा सकते हैं, और ये इतने चटपटे बने हैं कि इनको एज अ स्नैक्स आप चाट बनाकर भी खा सकते हैं। हे फूडीज, वेलकम। आज हम बनाने जा रहे हैं छोले। अब आप सोचेंगे कि छोले तो बहुत तरीके के बनते हैं, पंजाबी छोले, अमृतसरी छोले, कुलचा छोले। हम बनाने जा रहे हैं कढ़ाई छोले। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है और झटपट बनके तैयार हो जाती है। चलो बनाते हैं कढ़ाई छोले। एंड हाँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। आप लोगों की सपोर्ट से ही मुझे और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने की मोटिवेशन मिलती है। एंड साथ में जो घंटी का बटन होता है उसको भी जरूर दबाना, ताकि मेरी सभी न्यू वीडियोस की अपलोड्स की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो कढ़ाई छोले बनाने के लिए मैंने लिए हैं 200 ग्राम छोले और इन्हें 7 से 8 घंटे पानी में भिगो के रखा, जिससे ये थोड़े से नरम हो गए हैं और फूल गए हैं। अगर आपको छोले बनाने हैं तो बेहतर रहता है कि आप इनको रात में ही भिगो दें। इनको हम बॉईल करेंगे, उसके लिए मैंने इनको कुकर में डाल लिया है और उसमें ऐड करेंगे हम 1 कप पानी, और उबलते टाइम छोलों में अच्छा टेस्ट आ जाए उसके लिए डालेंगे हम 1 टीस्पून नमक। अब यहाँ पे काफी लोग छोलों में रंग लाने के लिए उबलते टाइम चाय पत्ती डाल लेते हैं। मैं यहाँ कुछ अलग करूंगी, जो रंग तो लाएगा ही वो बहुत ही हेल्दी भी है। ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा कि हम क्या डालेंगे। अब हम कुकर को बंद कर देंगे और इसमें 4 से 5 सीटी आने का वेट करेंगे। अगर आपको छोले बनाने हैं पर आपने इन्हें रात में नहीं भिगोया, तो आप इस टाइम पर 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा डाल ले, उससे आपके छोले बहुत ही नरम हो जाएंगे। 4 से 5 सीटें आने के बाद गैस ऑफ करके स्टीम के ठंडे होने का वेट करेंगे। छोले हो गए हैं हमारे बॉईल। अब हम तैयार करेंगे इसका मसाला। उसके लिए मैं एक पैन में ले रही हूँ 2 टेबलस्पून घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज कर सकते हैं। जब घी हो जाएगा हमारा गर्म, तो उसमें डालेंगे 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, यानी कि जीरा। यहाँ मैंने सिर्फ 2 चम्मच घी लिया है, तो आप देखेंगे कि कैसे सिर्फ 2 चम्मच घी में बनेंगे स्वादिष्ट कढ़ाई छोले। गरम तेल में जैसे ही जीरा हमारा पॉप करने लग जाएगा, तो हम डालेंगे 1 टीस्पून कैरम सीड्स, यानी कि अजवाइन। अजवाइन इसमें आप लोग जरूर डालें। कढ़ाई छोले में ये नो डाउट अच्छी तो लगती ही है, इसमें हेल्थ बेनिफिट भी बहुत होते हैं। इनको हम स्पैचुला से चलाते रहेंगे और हल्का सा भून लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक और 5 हरी मिर्च। इसमें मैंने 3 मिर्चों को लंबा लंबा काटा है और 2 को चॉप किया है। आपको लगेगा ऐसा क्यों? क्योंकि लंबी लंबी कटी हुई मिर्च देखने में बहुत अच्छी लगती है। आप भी जब बनाएं ऐसे ही करना। इनको भी हम भून लेंगे। फ्लेम को हम लो मीडियम पर ही रखेंगे। और अब हम डालेंगे चॉप्ड अनियन। यहाँ मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है और उसको मोटा मोटा कट किया है। इनको भी हम भून लेंगे। एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ भूनने का मतलब है सिर्फ हल्का सा नरम करना, इनको पकाना नहीं है। तो इनको हम लगातार चलाते रहेंगे, जिससे कि ये हर तरफ से अच्छे से भून जाएगा और इसमें थोड़ा सा क्रंच भी रह जाएगा। तो ये हमें करना है बस 1 से 2 मिनट। जैसे ही प्याज हमारे हो जाएंगे हल्के नरम, हम डाल लेंगे अपने पैन के अंदर बॉइल्ड छोले, जो हमने पहले कुकर में बॉइल किए थे। मैं आपको पीस के दिखाती हूँ कि ये कितने नरम हो गए हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बॉइल हो गए हैं। इनको भी हम अपने पैन में डालकर तड़के के साथ मिला लेंगे। और अब डालेंगे छोलों में बेहतरीन रंग के लिए चॉप्ड चुकंदर। ये रंग में भरपूर होता है, तो हमारे कढ़ाई छोलों में बहुत अच्छा रंग दे देगा। उसके बाद 1 टीस्पून सॉल्ट, थोड़ा हमने बॉईल के टाइम डाल दिया था एंड थोड़ा अभी। इनको अब हम मिला लेंगे। जैसे ही छोले गैस पे पकेंगे, चुकंदर का छोलों में रंग आ जाएगा। कढ़ाई छोले बनाने में बहुत ही सिंपल है। अगर आपको अभी बिलीव नहीं हो रहा, तो पूरी वीडियो देखने के बाद तो पक्का हो जाएगा। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये आसान लगे या नहीं। इनको अब हमने अच्छे से मिला लिया है और अब हम डालेंगे इसमें अपने मसाले। सबसे पहले 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला।
बस ये तीन मसाले हम इसमें डालेंगे और इसको अच्छे से फिर से मिला लेंगे। धनिया पाउडर की तो अभी से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और अब आखिरी में हम डालेंगे एक चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप अनारदाना भी डाल सकते हैं। और उसके बाद टमाटर, यहाँ मैंने 1.5 टमाटर लिया है जिनको मैंने मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इनको भी हम छोलों के साथ मिला लेंगे। आ गया ना छोलों में रंग, बहुत ही बेहतरीन। अभी इसमें एक दो चीजें और डालेंगी जिससे तो आपके मुंह में पानी ही आ जाएगा। तो अब हम इसको लिड कवर करके बस एक मिनट के लिए पकने देंगे, सिर्फ एक मिनट, जिससे कि बस मसाले अच्छे से पक जाएंगे और छोलों के साथ रम जाएंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा चॉप्ड पनीर एंड ताजा धनिया पत्ता, इनको भी हम मिला लेंगे। तो कढ़ाई छोले हमारे बनके तैयार हो गए हैं। क्यों बन गए ना ये कढ़ाई छोले फटाफट, इनको आप रोटी पूरी या परांठे के साथ सर्व करें या फिर इसको ऐसे ही खाएं, ये वैसे ही बहुत चटपटे और टेस्टी लगते हैं। क्यों बने हैं ना ये लाजवाब, मानो अभी खाने को मिल जाएं। और एक एक छोले पे मसाला और रंग क्या खूब चढ़ा है। कढ़ाई छोले हमारे बनके तैयार है, इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। चलो इनको टेस्ट करते हैं कि ये बने कैसे हैं। ये कढ़ाई छोले खा के मजा आ गया। My husband's gonna love it। तो आप भी अपनी फैमिली के लिए ये टेस्टी कढ़ाई छोले बनाएं और उनका दिल जीत लें। तो जब भी आप इन छोलों को बनाने का ट्राई करें तो अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ जरूर शेयर करें। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में जिसमें मैं कोई और इंटरेस्टिंग और टेस्टी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।